Thank you. गोलगप्पा चैलेंज मुझे लगता है कि हस्बैंड जीत जाएंगे। सो मैंने एक ट्विस्ट लाई हूँ कि हम तेजी का करते हैं कि कौन कितनी जल्दी कितने खा सकता है, उसमें शायद मैं जीत जाऊं। अगर आप क्वांटिटी का करेंगे कि कौन ज्यादा खाता है तो दुखी जीत जाना। नहीं, आज मेरा मन नहीं है। सो तेजी के साथ करते हैं। सो क्या कहते हैं कि हमने प्राइस भी रखा है। सो $50 हस्बैंड ऐड कर रहे हैं, 50 मैं। जिना जीतेगा उसको 100 मिल जाएंगे एंड वो उसका कुछ भी खरीद सकता है। सो 50 दे दो अपने। दोनों मेरे वॉलेट से निकले लोग। ओह नो, ओह नो। ए प्यारी, ये तो किधर पता चला? हाउ यू नो? ओके, सो $100 है एंड किधर? दिस स्मेल लाइक स्मेल। टाइमर नहीं, चक्कर की है ते गिनूंगा फोन। आप गिनने है ना? मैं तो दसदी हां, रखने ही बाहर होने हैं। काम स्टार्ट कर की ढिल कर दी आ हुन। ए ए ए, वापस आ दी, चिल्ला मत। बन तेरा भी करदा है ना। आलो आलो, मेरा तो मोरिया कर ला मैं टेंशन। नहीं नहीं, हुन ना आप खाने हैं पहला। यार मैं तो जा रही हूं। 10 रख ले। मैं क्वालिटी चेक तो कर ला। 10 ना पाओ फिर तुसी भी। जिन्ना जिन्ना ज्यादा आलू होएगा ते तो ही फिर कट पा लो ना। मैं ते अपने हिसाब नहीं पाने हूं, तोड़े हिसाब ना थोड़ी आलू पाने ना। तू अनियन भी पाने, मैं अपने तैयार करके रखने वाली हूं। अब मेरे टूटी जांदे सारे ते होड़ ले लो ना। हुन कंप्लेंट्स नहीं करनी है यार। मैं कहना खाई जाने और तक पाई जाने। नहीं नहीं, चैलेंज है बहु। आज तक ऐसे कोई फूड चैलेंज नहीं किया है। करो करो। मैं फूड नु चैलेंज आके दिखाना। हम खाएंगे लाइक रेडियो जैसे। जितना मर्जी खाओ बट भर लो अपने। बाद चो रहे ना तू ही भरी जाना, मैं ना ही ना आगे। मेरे से तैयार हो गए भैया, मेरा तो शुरू हो जाए ना। तू रह ना पीछे, और लगी लोटी बाँध। आई लव लाइम दी खुशबू। गाइस आपके मुंह में पानी आ रहा है। ये रेसिपी जरूर से ट्राई करना। हम लोग गोलगप्पे को तैयार कर लेते हैं, आप जल्दी से रेसिपी देख के आए। मैंने आपके साथ क्विक पानी की रेसिपी शुरू शेयर की है। हम लोग गोलगप्पे कॉस्को से लाते हैं, उनकी गोलगप्पे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर कुछ दोस्त हैरान होने वाले हैं कि कॉस्को में गोलगप्पे, यस हमारे कॉस्को में गोलगप्पे मिलते हैं। वी आर सो लकी। और इनके गोलगप्पे इतने ज़्यादा क्रिस्पी एंड फ्रेश हैं जैसे कि आप लाइक दुकान से खा रहे हैं, वो भी अच्छी वाली। इस ब्रांड का नाम ही क्रिस्पी है। तो सबसे पहले मैंने ये रात को ब्लैक चने भिगो लिए थे। अब इसको हम प्रेशर कुकर में कुक कर लेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं गोलगप्पे के साथ। और गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे इमली, लाइम, मिंट लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितना आपको तीखा अच्छा लगता है। इमली को मैंने भिगो के रखा था पानी में, सो ये पानी रेडी टू गो है। और इसमें मैं ऐड करूँगी बहुत सारी नन्नी मन्नी सी इंग्रेडिएंट। सबसे पहले ये हींग, देन मैं डालूंगी ड्राई जिंजर, सोंठ, देन मैंने ये जीरे को रोस्ट कर लिया है तवे के ऊपर। इसका भी हम पीस के पाउडर बना लेंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा मैं पीसने वाली हूँ, लेटर हस्बैंड हेल्प कर देंगे इसको पाउडर बनाने के लिए। और मैं ऐड करूँगी सॉल्ट एंड काली मिर्च एंड ऑल्सो धनिया पाउडर, और इसमें थोड़ी सी शुगर भी जाएगी और काला नमक भी। और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। वैसे सारे इंग्रेडिएंट्स आप स्वाद के अनुसार
यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटी आपको अच्छी लगती है। सो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और ये धनिया एंड पुदीने के पत्ते और हरी मिर्च को हम अच्छी तरह पीस लेंगे। सो वंस ये अच्छी तरह लिक्विड बन चुका है, इसे हम बड़े से बॉल में निकालेंगे। इसी में मैं इमली का पानी निकाल लूँगी स्ट्रेन करके, क्योंकि हमें इसमें ये गिटकी नहीं चाहिए, हमें ये सीड्स नहीं चाहिए। सो उसको निकालिया जाएगा। अब मैं इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह विस्क कर लूँगी, एंड देन लेटर हम इसमें ऐड करेंगे इसको ठंडा करने के लिए आइस क्यूब्स, एंड मैं लाइम भी ऐड करती हूँ, ऑप्शनल है अगर आपको अच्छा लगता है, डिपेंड करता है कि आपको कितना खट्टा अच्छा लगता है। सो मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, पेपर, सॉन्ट। सो जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको अर्लियर दिखाई हैं, स्वाद के अनुसार हम इस पानी में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि अगर आपको कोई कमी लग रही है तो उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। सो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं या शक्कर भी, पर मैंने वाइट शुगर ऐड की है। साइड की डिशेज को तैयार कर लेते हैं। चने के साथ ये उबले हुए आलू जाएंगे और उस पर भी मैंने जीरा स्प्रिंकल कर लिया है, थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लूंगी, और ये चॉप्ड अनियन है, हस्बैंड को अच्छे लगते हैं। और ये मीठी इमली की चटनी है, इससे भी मैंने घर में ही बनाया है। और इस तरह हमारा ये गोलगप्पा स्टेशन रेडी हो गया और हम तैयार हैं कंपटीशन के लिए। मुझे लग रहा था कि गोलगप्पे कम हैं, पर हमारे कंपटीशन के लिए इनफ ही हैं। सो लेट्स डू दैट। मेरे गोलगप्पे हो गए रेडी, दो तीन मैं अभी खा लूंगी यार, ये जितना है हूं। ओहो मैं चटनी पानी से भूल गई, चलो किसी चिल्ले का अनियन पा लेंगे। मैं अनियन I'm so excited. Guys, मेरे हस्बैंड को गोलगप्पे भरने में प्रॉब्लम आ रही है, यू नो वाई, क्योंकि आज तक वो कभी अपने गोलगप्पे नहीं भरते, उनको मैं ही देती हूँ। ये तो काम चोरी है ना तेरी। This is not a rocket science. प्यार ये तो है ही यार डैडी। Spoil. आपने मुझे spoil किया. Spoil brat आप यार ये तो. गोलगप्पे अपने तोड़ी यहाँ दे. Okay. चल. अरे वेट तो कर. आराम ना चलना तू। ओह नो की हो गया? जितना है मैं जित गई तू। नो बहु कितने स्वाद है। मम्मी इज लुक लाइक शी इज इन द लीड। दोस्तों मैं कछु जैसा आदमी हूँ, धीरे चलता हूँ मगर दूर तक जाता हूँ। प्यार के तेरी हार की खुशी थे अभी चाक।
एक दो तीन चार पाँच छः गाइस हस्बैंड ने सिर्फ 4 खाए और मैंने खा लिया 3 मिनट से। यार तुमने ना चीट किया। क्यों? कल की तू कह रही थी कि whoever's gonna eat more gonna be the winner। पर यार तू ही डेफिनेटली ज़्यादा खा रहा है यार। गाइस मैं जीत गई हूँ लेस देन 3 मिनट से 100 डॉलर होल की चाहिए। I'm very happy। अल्लाह जी। गाइस मुझे पूरा ऐसे बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं जीत पाऊंगी पर ऑन द स्पॉट मुझे ये खनका कि स्पीड का टेस्ट लेना चाहिए क्योंकि मुझे पता है मेरा पति टर्टल है खाने में मेरी स्पीड बहुत कम है बहुत ज्यादा कम है गाइस इतनी ज्यादा कम है कि मैं खा के कुक करके इनको खिला के हिम्मत को खिला के खुद खाने आ जाती हूँ ये तब भी धीरे धीरे खा रहे होते हैं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं पर स्पीड ही बहुत ज़्यादा कम है। सो आई एम अ क्लियर विनर और गोलगप्पे बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने हैं और एनी स्पीड में खाने का मज़ा नहीं आया। मैंने नहीं लगा मैं 10 खा सकती यार इट्स टू मच। तू कितने खाओगे? तू तो 100 डॉलर पीछे अपना स्वाद ही खराब कर रहा है। आई डोंट केयर जितन पास्ते जितन ले ना पैसा पैसा करया का ना तेरे का टिन 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 Din-din-din-din. Mimi, we are very honest people. We're gonna put this money back in your daddy's wallet. Jitho pehe aaya, utthe wapas paante jaane. Okay, Himma can take and put one in his bugni. But Mimi need to eat one golgappa with water. All right, दोस्तों गोलगप्पे बहुत बहुत delicious बने हैं। हमारे शहर में गोलगप्पे के अंदर ऐसे ब्लैक चने एंड आलू भरे जाते हैं एंड अनियन एंड और कुछ। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी हैं जहाँ पे बहुत लाइक चटनी सी बना के फिल करते हैं। लाल जी उसको खाते हैं बहुत तो डिशर से इतना नहीं मिलते हैं छोले वाले काले छोले थे आलू वाओ मिट्टी चटनी डालते हैं हाँ उधर डाल दिया लोग क्या चटनी ये ची पा के एक लाल जहा मिक्सचर बना दिया ओनू पाते हैं साढ़े चटनी अलग होंगी लाइक ऑप्शनल जो नहीं पानी तो कह लो कि मैं नहीं पानी बहुत तरह के मिक्सचर आते कई वो होंदा पकौड़ियाँ और वैसे गाइस हम इसके अंदर नहीं खाते अगर आपको वियर्ड लग रहा हो हम अपनी कॉली कॉली में खाते हैं पर अभी कंपटीशन की वजह से हमने अंदर ही खाना शुरू कर लिया। दोस्तों मुच्छों वाले आदमियों के लिए गोलगप्पे खाना इट्स नॉट इजी एंड दोस्तों मैंने लड़कों को तो गोलगप्पे खाते देखा ही नहीं है जा पर मेरे हस्बैंड को गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। रेडियो तो कुड़ियाँ खड़ी होंगे मुंडे कितने खड़े होंगे साढ़े शहर खलोते होंगे हाँ बेचारे कुड़िया भी ना आन तो दिवालियाँ के खाने अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो और आप मैरिड हैं या बॉयफ्रेंड हैं बताना मुझे कि आपके बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड को गोलगप्पे पसंद है मैं बहुत मुंडे नहीं खाने देखे यार एक कद्दू ही खाते सी पानी पूनी पी के गांव जाते हैं कुड़ियां खड़ियां हैं या मशीनियां बन के कुछ ना कर कुड़ियां तो रोज खामियां लाइक एवरी अदर डे हमारा ऐसे है जैसे हमें आज हमने शराब पी अगले दिन हमें पन लगा तो पन तोड़ने के लिए हम बताऊं मैं 16-17 साल तक गोलगप्पे नहीं खाती थी एक्चुअली मैम मेरे शहर में कुछ खाती नहीं थी नहीं फिर की अगर जवानी आ गई तो नहीं लाइक फिर हस्बैंड ने एक दिन गोलगप्पे खवाए मैंने उस दिन मैं लगा कि यार ये तो इंटरेस्टिंग चीज है अच्छा इसको पहली बार मैंने 23 अक्टूबर के गोलगप्पे खिलाए मंदिर वाले मंदिर दे कौन मैंने कभी कभी मैं अपने शहर से खाते थे पर द फैन नहीं है कभी साल वाल एक बार खाते हो गए मैं ज्यादा फूडी नहीं थी ना चिटकोली नहीं थी ना ज्यादा पर फिर मैंने स्वादिष्ट लग गया देन फिर मैं उसे बहुत बार खाते खुद एक बार ना ये मैं और इनका एक दोस्त गए उस गोलगप्पे की दुकान पे वो जो इनका फ्रेंड था वो बहुत शर्माता था पता नहीं कैसी गलत मेरे तो शर्मा गए सर हमने उसे कहा कि तुम भी कुछ खा लो तुम भी कुछ खा लो बेचारा शर्माते खा ही नहीं पा रहा तो कहता कि मैं पानी पी लूँगा मैं कहा पानी तो ज़्यादा फनी लगता मुंडे नु पींदे चिटकोरा पानी थोड़ी देर में हम लोग मिलते हैं आपको थोड़ा ये सामान को समेट के बहुत मजेदार पानी बना है जरूर से ट्राई करना अगर आपको यहाँ पे रेसिपी समझ नहीं आएगी तो मेरी कुकिंग चैनल पे स्पेशल रेसिपी भी है आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और जरूर जरूर से ट्राई करना अगर आप घर में पानी बनाना शुरू कर देंगे ना तो बाहर का पानी भूल जाएंगे हम लोग इतने साल गोलगप्पे से दूर रहे सिर्फ पानी की वजह से जितनी बार हम बाहर किसी रेस्टोरेंट से ट्राई करते हैं तो वो पानी ऐसा है कि वो पाउडर में पानी मिक्स करके दे देते हैं कोई हर्ब्स का कोई मिंट का कोरिएंडर का कोई फ्लेवर ही नहीं आता है सो फाइनली जब मेरी मम्मी आई उन्होंने मुझे ये पानी बनाना सिखाया
तो इसको थोड़ी चार दो चार चीज़ें मैंने अपनी ऐड की और तब से हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं। और जब हमारे घर में कोई मेहमान भी आता है तो हम उनको भी खिलाते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं कि हमने इतने साल से इतने अच्छे गोलगप्पे नहीं खाए, है ना भाई। सो जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है हमारा होता है कि उनको गोलगप्पे ज़रूर से खिला दें क्योंकि सभी को अच्छे लगते हैं और यहाँ अपने देश से इतनी दूर आपको वैसा टेस्ट कभी नहीं मिलता, पर अब मिल जाएगा। तो ज़रूर से ट्राई करना और मुझे बताना कैसे लगे। और मैं झूठ नहीं बोल रही, बहुत ही दस्तों ना तुझे भी होता है। बढ़िया बढ़िया, बस हम अपने तू दोनों का एमडीएचएम को कहना बढ़िया है बढ़िया है। बढ़िया है बढ़िया है। पानी में तेजाब नहीं डालते। ओ पो डाल दे अभी तो बिना अफवाह ही उड़ी होनी। मिथा कि वो तेजाब डालते हैं तो मिथनिया आई थिंक 2006 से ना बहुत ज्यादा वायरल हुई है ये गल कि कोई तेजाब पाल लिया अखबारों च आई थी। मैंने लगता कि ऑल ओवर इंडिया ये बात फैल गई थी गोलगप्पे के पानी को एसिडिक बनाने के लिए वो तेजाब डालते हैं, पर अगर आप ग्रीन मिर्च डालो ना वो ऐसे ही एसिडिक लगता है ना भाओ। मतलब वो सब में डालते हैं तेजाब डालते ही जे। हाँ तो पिघल नहीं जाएगा साडा मुंह। सो यार दोस्तों मेरे हस्बैंड की ये मेरी पापड़ी है मिठी पापड़ी, इसके बाद मैं डालूं। हां मैं पापड़ी है इधर गाइस दस मैं आपको अगर वीडियो बना के दूं सारा खाली हो जाएगा। ये प्यारी है मैं तेरे गिननी है, एक खा प्यारी है दिल खोल के खा, कोई गल नहीं कहीं नहीं खाना मेरा बीबा पर खा ले कोई नहीं खा ले ये खा ले। औरत गाइस मैं आपको औरत लड़की कही ना हुंदा औरत लड़की ये लड़की ये मर्द सही बात कर रहा है दगा मैं तू इदा करने नहीं तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अगर हिंदी डालनी है तो हिंदी फिर डालो। मर्द नहीं है लड़की का लड़की नहीं मिलाती लड़की लगती स्कूल नहीं जाती तू ओ लड़का यार बाबू इदा क्यों करने हैं बुरा फील कराते रहने हैं। पता मैंने किन्ने कॉम्प्लीमेंट्स आते कि मैं टीनेजर लगती हूँ। प्लीज बत कह रहा कि यार तुम टीनेजर लगते हो प्लीज। मम्मा इज माय हार्ट कहना मम्मी मेरे दिल है और मेरा डैडी डैडी इज माय ब्रोकन हार्ट ब्रोकन हार्ट। जब मैं आज स्कूल की यूनिफॉर्म पा रहा ना तो मैं आज गर्ल लग रहा पे ना। आई गॉट अ रेनबो गन मम्मा आई गॉट अ रेनबो गन एंड माय मम्मा ओवली विल बी माय रेनबो। सो हाउ अबाउट डैडी गाइस हिम्मत का पहला गोलगप्पा पिद्दी अगर गर्ल पानी पा रही थी तेजी तेजी खा लिया हम मैं तो बिल्कुल दिल नहीं लगा मजा भी नहीं आया पैसे के चक्कर च की करे बंदा पैसा भी ना मजबूर कर देना बंदे पैसे की मजबूरी भी ना बड़ी वड्डी मजबूरी प्यारी मैं लालच बिल्कुल नहीं सी मेरा दिल यही ही कि मैं तेरे पर्स च वापस पा लेने ये तो बस जितन का जो ही मेरा नशा जितन की चाह ही और किन्ना समान भरेंगी बाहर निकलन दिया समान इन्ना समान भर रहे गोलगप्पे के अंदर वो बेचारा टूटी जाता है कहता भरा की करन दिया साढ़े ना मसाली भी असली चीज तो अब जाएगी मैं तो सोचती दो घड़ी मैं निका जहा नैप ला ला तुम ताते ही लगे रहना गाइस मैं थोड़ा आराम कर लेनी गोलगप्पा चैलेंज वीडियो के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसीडर करिएगा एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना। अगर आप भी गोलगप्पा फ़ैन हैं तो कमेंट भी ज़रूर करना। कोई भी विचार शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बार में छोड़ सकते हैं। जब से मेरे हस्बैंड ने गोलगप्पे खाए हैं वो तब से वहाँ पे बैठे हिल नहीं हो रहा है उनसे और यस उन्होंने वो बाकी बचे हुए गोलगप्पों को सेव कर लिया है। कल सुबह उठते ही वो पहला काम गोलगप्पे खाने का करेंगे। यस पति प्यारिये तेरे एडिट करते हुए मैंने देखा कि कैसे आपने अपना एक गोलगप्पा मेरी प्लेट में खिसकाया बहुत ही धीरे से बहुत ही चलाकी के साथ। ये तो अच्छा हुआ भगवान का शुक्र है कि मुझे पता चल गया कि मैंने इमली की चटनी नहीं डाली है। अदरवाइज इस बेईमान इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे साथ चीट करने के लिए। ऐसे ही भोले चेहरे लेके बेईमान लोग हमारे जैसे नॉर्मल लोगों में घूमते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कितनी बेईमानी है। ऐसे ही हैं वो लोग।
ऐसे देखियो जरा, पहचानिए ऐसे हैं उनके चेहरे। ओके दोस्तों, बाय, लव यू।